हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग। देखिए, वो ये जो वुमेन कोटा बिल था राज्यसभा में, आज क्लियर हो गया है, तो देखते हैं क्या है। द राज्यसभा पास द वुमेन्स रिजर्वेशन बिल अनएनिमसली ऑन थर्सडे विद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी सेइंग दैट दी अनएनिमिटी विल इंस्टिल कॉन्फिडेंस अमंग द पब्लिक। तो ये चीज़ है, किसी ने अपोज नहीं किया बिल को लेकर के। द कॉन्स्टिट्यूशन 128th अमेंडमेंट बिल और दी नारी शक्ति वरदान अधिनियम एंड इट्स सिक्स क्लॉजेस वर पास्ड विद ऑल 214 मेंबर प्रेजेंट इन द अपर हाउस वोटिंग इन फेवर ऑफ देम। अ हिस्टोरिक अचीवमेंट सेड राज्यसभा चेयरमैन जगदीप डंकर आफ्टर पैसेज ऑफ द बिल। द मेंबर वेलकम द अनाउंसमेंट ऑफ द पैसेज ऑफ द बिल बाय द थम्पिंग ऑफ द डेस्क। तालियां वहाँ पे डेस्क पे हाथ मार मार के बजाई जाती है। अमेंडमेंट्स मूव बाय सम अपोजिशन मेंबर्स अगेंस्ट द प्रोविजन दैट द लॉ विल कम इन टू फोर्स ओनली आफ्टर द सेंसेंस एंड डिलिमिटेशन एक्सरसाइज वर डिफीटेड इन अ वॉइस वोट एंड नन ऑफ मेंबर्स डिमांडेड अ डिविजन ऑन द अमेंडमेंट। द लोकसभा हैव पास्ड द बिल ऑन वेंसडे। अ टोटल 72 स्पीकर्स पार्टिसिपेटेड इन डिबेट दैट वॉज मार्क्ड विद द पोएट्री एंड कपलेट्स। ठीक है, देखिए, द डिबेट वॉज मॉडरेटेड बाई अ सीरीज ऑफ वुमेन हु टुक इन टर्न टू बी इन चेयर। द की इशू रेज बाई अपोजिशन इंक्लूडेड द डिले इन ब्रिंगिंग द बिल एंड लैक ऑफ सेपरेट रिजर्वेशन फॉर अदर बैकवर्ड क्लास वुमेन विद इन द 33% रिजर्वेशन। द ट्रेजरी बेंचेस काउंटेड दिस आर्ग्यूमेंट विद, देखिए अब ये जो है ना, सेपरेट रिजर्वेशन ये तो नहीं होना चाहिए, ये एक बार गलती करके देख ली हमने, सेपरेट इलेक्टोरेट वाला। तो भाई ठीक है, ये आपका 33 कोटा के अंदर कोटा है, तो कुछ गलत थोड़ी है। ठीक है, बाय मोदी रिजाइन टू सपोर्ट वुमेन। ठीक है, काउंटरिंग द रूलिंग पार्टी स्पीकर हु हिप्ड क्रेडिट सोलली टू पीएम मोदी फॉर ब्रिंगिंग द लेजिस्लेशन द अपोजिशन मेंबर स्लैम द बीजेपी फॉर शोकेसिंग द बिल एज एन एक्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर बेनेवोलेंस टुवर्ड्स वुमेन। दे ऑल क्रिटिसाइज द टाइटल ऑफ द बिल नारी शक्ति वंदन अधिनियम। यू हैव नेम द बिल एज इफ इट इज डिवाइन ब्लेसिंग। इट इज़ नो डिवाइन ब्लेसिंग, इट इज़ आर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। कांग्रेस MP रंजीत रंजन। तो देखो यहाँ पे तो भाई ये बीजेपी कांग्रेस इसका लड़ाई का यहाँ पे बात हो रहा है, उन लोग को नारी शक्ति से दिक्कत है, क्योंकि और ये बोला जा रहा है भाई पीएम मोदी की बात अकेले की थोड़ी है, ये दोनों का अपना पॉलिटिक्स चल रहा है, इसमें हमें कोई इन्वॉल्व होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, वाई डिड इट टेक द गवर्नमेंट 9.5 ईयर टू ब्रिंग द लेजिस्लेशन एंड वाई इज द गवर्नमेंट पुशिंग इट्स इम्प्लीमेंटेशन टू 2029 आस्क अपोजिशन स्पीकर। तो इतने दिन क्यों हो गया। देखो मेरे को एक चीज़ समझ नहीं आता, कोई चीज़ अच्छा हो रहा है ना तो उसके ऊपर खुश होना चाहिए। अब ये कह रहे हैं कि इतना दिन क्यों हो गया, भाई उससे पहले भी तो तुम्हारी गवर्नमेंट थी, उसमें क्यों नहीं हो गया। तो मतलब देखो, अगर गलती निकालेंगे तो दोनों में गलती है। मैं ये नहीं कह रहा मैं बीजेपी सपोर्टर हूँ या मैं कांग्रेस सपोर्टर हूँ, मैं कह रहा हूँ दोनों में गलती है। पर अगर चीज़ें अच्छी हुई हैं उसको अप्रिशिएट करो, आगे बढ़ो। और अगर यहाँ पे अगर दे दिया गया, यहाँ पे क्या गया, डिवाइन ब्लेसिंग की तरह दिखा दिया गया, मान रहा हूँ आपका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, पर इट इज़ नो डिवाइन ब्लेसिंग, नहीं ऐसा नहीं बोल सकते ना भाई। ये डिवाइन ब्लेसिंग है कि आप कॉन्स्टिट्यूशनल राइट मानने के लायक हो, नहीं तो आप जाके देख लो अफगानिस्तान में क्या हाल है। तो इतना लड़ने से अच्छा खुश हो भाई, क्योंकि हमारे पास वो अपॉर्चुनिटी है अभी। ठीक है, लीडर ऑफ द अपोजिशन मल्लिकार्जुन खड़गे सेड व्हेन द सेंटर इज कैपेबल ऑफ टेकिंग इंस्टेंट डिसीजन सच एज डिमोनेटाइजेशन 9.5 ईयर्स डिले इन पासिंग अ बिल सपोर्टेड बाई एवरी पार्टी वॉज अनएक्सेप्टेबल। TMC MP डोला सेन। ठीक है, ये तो भाई इन लोग का पक्का पॉलिटिक्स वाला है। हमें बस मतलब ये था, सिंपल ये बताना था, राज्यसभा में बिल क्लियर हो गया, सबने माना है, किसी ने अपोज नहीं किया। अगर कुछ अपोजिशन हुआ है तो वो इसलिए हुआ है कि भाई ये आप 2029 से क्यों बोल रहे हो लागू होगा, आप अभी से 2024 में ही करना। और दूसरा लोग पूछ रहे हैं 9.5 ईयर आपको क्यों लग गया, जब आप पहले कर सकते थे, जब डिमोनेटाइजेशन जैसा आपने स्टेप ले लिया तो ये चीज़ पहले भी तो ले सकते थे, जिसमें सब लोग साथ थे। तो वो कोई मेरे को तुक नहीं बैठ रहा इन सब बातों का, मेन हमारे लिए ये जानना था, राज्यसभा में पास हो गया, लोकसभा में पास हो गया, कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल दी वुमेन। और क्या इक्वलिटी मिल गई, नहीं नहीं मिली, ये होना चाहिए 50%। लॉ लाने से होगा, नहीं नहीं होगा, तो कैसे होगा, अवेयरनेस से होगा। ऐसी औरतें चाहिए जो एक नॉर्मल हाउसवाइफ भी हो और वो जाके वहाँ पे काम करके दिखाए, पॉलिटिकल पार्टी लीडर्स की वाइफ नहीं चाहिए यहाँ पे। तो ठीक है, ये इम्प्लीमेंट हो जाए, जो हो जाए, मेरे को लग नहीं रहा है कोई बड़ा सक्सेसफुल होने वाला है ये, क्योंकि ये सिंपल एक वही हो जाएगा जैसे पंचायती में पति अपनी पत्नी को घुसाता था, डिसीजन वही लेता था, वही वाला हाल यहाँ भी होना है। और तो खुद उठो, ठीक है, और जो इक्वालिटी चाहिए, खुद के लिए काम करो, खुद के ऊपर काम करो, इक्वालिटी
इक्वालिटी मांगने से नहीं होती है, इक्वालिटी आपको लेना पड़ेगा काम करके, बस इतना समझाना था। नारी शक्ति वंदन अधिनियम, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू एवरीवन। एंड यहाँ पे ओबीसी और उस बैकवर्ड क्लास के लिए कोटा के अंदर, कोटा जैसे उनका कोटा है तो उस कोटे के अंदर, जैसे मानिए उनका कोटा हो गया 20%, तो उस 20% का 33% वुमेन होनी चाहिए। तो यहाँ पे ये बात है, कोई सेपरेट रिजर्वेशन लिस्ट नहीं है कि 20% के ऊपर भी इतना वुमेन का है, नहीं ऐसा नहीं है। सो थैंक यू एंड प्लीज़ वर्क हार्ड टू अचीव ऑल योर ड्रीम्स। थैंक यू।